नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है संडे टेक मसाले के और स्पेशल एपिसोड में लेके बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो टाइम पर आ रही होगी तो कर दो इस वीडियो को लाइक। दोस्तों यहाँ पे पहला अपडेट निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी A31 को लेके, और ये आपको जल्दी इंडिया में 4 जून को मतलब लॉन्च हो ही चुका है। और अगर उसको परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप परचेस कर सकते हो। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 5000 mAh की बैटरी, मतलब सबसे अच्छी वाली बैटरी आपको देखने को मिलेगी, मतलब ज्यादा देर चलेगी ऐसी बैटरी है। और इस बार तो सैमसंग ने बहुत ही कमाल का काम कर दिया है। हम तो बहुत सारे कस्टमर तो अभी इस बार तो खुश है, और नए नए वो लॉन्च करते जा रहा है उनके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, तो इसी में ही उसका अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है यहाँ पे Redmi 9 को लेके, और यहाँ पे आपको Redmi 9 25 जून को देखने को मिल सकता है। उसके प्राइस और स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं, और मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ कि वीडियो बना दिया जाए कि ये Redmi 9 है और इसके ऊपर हम एक रिव्यू यूनिट खरीदे, या फिर उसके मेरा ओपिनियन शेयर करूँ इस फोन के ऊपर। तो मैं देखता हूँ कि 25 जून से पहले ओपिनियन शेयर करूँ या 25 जून के बाद ओपिनियन शेयर करूँ। और ये कंफर्म तो नहीं है 25 जून को ही ये लॉन्च हो सकता है, 26 जून को लॉन्च हो सकता है, या फिर जुलाई मंथ में भी लॉन्च हो सकता है। खैर अभी देखते हैं कि Redmi 9 क्या क्या लॉन्च करने वाला है। हर महीने एक नया फोन लॉन्च करके आया ही है, हम इस लॉकडाउन में देखते रह ही चुके हैं कि उसने क्या क्या लॉन्च किया और कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कीजिए विथ 5G सपोर्ट, और एक अच्छी बात है। तो ये था एक Redmi 9 का अपडेट। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है यहाँ पे जियो के ऑफर को लेके, और ये आपको 1 साल के लिए फ्री देने वाला है, फ्री डिजनी प्लस हॉटस्टार VIP सब्सक्रिप्शन। और अगर आपके पास सिम होगा तो आप ये जल्दी रिचार्ज आने वाला है, और उससे रिचार्ज कर पाओगे। इसकी जो प्राइस रखी गई है वो है 400 रुपये, और 400 से भी आगे हो चुक सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक प्रीमियम हॉटस्टार को लेके, तो जो प्रीमियम है ना, जो हॉटस्टार प्रीमियम का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो है 1000 से भी ऊपर। तो अगर ये प्लान कम में आता है तो VIP भी हमको देखने को मिलेगा। और एक अच्छी बात है, एक ऑफर दी गई है जो 1 साल के लिए ही ऑफर होने वाली है, और ये हमको जल्दी देखने को मिल जाएगा। 2021 तक ये ऑफर खत्म हो जाएगी और 2020 में ये चालू होगी। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है यहाँ पे एप्पल की तरफ से, और यहाँ पे एप्पल जो है उनका नया आईपैड प्रो मॉडल लॉन्च होने करने ही वाला है 2021 को विद 5G सपोर्ट। और उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा मिनी LED डिस्प्ले। और एक अच्छी बात है, जहाँ पे एप्पल तो अभी आईपैड के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहा था, और यहाँ पे उनके स्मार्टफोन के ऊपर स्मार्टफोन स्मार्टफोन पे स्मार्टफोन हमको देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे अभी एप्पल आईपैड प्रो आपको देखने को मिलेगा, उसका ही कोई तो मॉडल देखने को मिल सकता है 2021 में। और इसका न्यूज अभी ही मिला है हमको 2020 में, तो एक अच्छी बात है, हमको आगे अगले साल में कुछ अच्छे देखने को मिलेगा एप्पल की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट निकल गया था यहाँ पे Redmi Earbud S को लेके, मतलब जो Redmi का Earbud S है वो उसके जो यूनिट्स थे वो 1 लाख से भी ज्यादा सेल हो चुके हैं इस पिछले जो वीक में। तो एक अच्छी बात है, मतलब Redmi के जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हिट ही कर डालते हैं, मतलब पूरा मार्केट ही हिला डालते हैं। वो एक अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए, बहुत सी प्राउड फीलिंग होती है जब ऐसे कोई बड़ा काम हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है सभी कस्टमर को, सभी देशवासियों को। तो यह था रेडमी का अपडेट। नेक्स्ट अपडेट निकल गया था यहाँ पे Realme X50 Plus को लेके, यहाँ पे आपको जल्दी उसका 5G मॉडल देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ उसके जो की स्पेसिफिकेशन है वो भी अभी लॉन्च हो ही चुके हैं, मतलब लीक हो चुके हैं, और ये आपको जल्दी ही लॉन्च इसका देखने को मिल सकता है Realme X50 Plus का। मैं तो काफी खुश हूँ, अगर इस बार तो Realme ने अच्छा काम किया तो हम उसके ऊपर वीडियो ही बनाने वाले हैं, और अगर उसने अच्छे स्पेसिफिकेशन हमको दिखाए ना तो और ही बेहतरीन हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है यहाँ पे MTNL को लेके, और उनका एक नया प्लान लॉन्च हो चुका है जो कि है 251 में आपको मिल सकता है 1 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल, वो भी 28 दिन के लिए है। अगर आपके पास MTNL का सिम होगा तो आप जरूर इसका रिचार्ज करें और इसका लाभ उठाइए। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है यहाँ पे पोको की तरफ से, तो यहाँ पे आपको जल्दी पोको का एक नया डिवाइस देखने को मिल सकता है, जहाँ जहाँ पे हम बात करते हैं इसके Poco F2 Pro की, और जो दूसरा है वो है Poco M2 Pro की। तो ये आपको नया कुछ देखने को मिलेगा पोको की तरफ से, और मैं तो देख रहा हूँ कि अभी लॉन्च, मतलब जो न्यूज थी ना आज की वो पूरे लॉन्च के ऊपर ही थी, और मैं सोच रहा हूँ कि जो हमने कवर किए जो न्यूज उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दिया जाए, मतलब कौन सा फोन क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि बात करते हैं हम Redmi 9 की, Samsung Galaxy A31 की,
और बाकी बहुत सारे फोन से उनके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि जल्दी एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लॉन्चिंग स्टार्ट हो चुके। मतलब अभी कोरोना वायरस तो गायब होने ही आया है और यहाँ पे लॉन्च तो हो रहा ही हो रहा है। मतलब बहुत अच्छी बात है, और भी देखते हैं हम क्या होता है आने वाले दिनों में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, किसको भी शेयर कर दो। और एक बार फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।